नमस्कार, मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज रिपब्लिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काला पहाड़ में। तो 12 तारीख से शुरुआत होते है काला पहाड़ का मामला को लेके, जहाँ में एक नाबालिग 13 साल की बच्ची का शव मिलने के बाद सिलसिला शुरू हो जाते हैं। और मैं बता दूं, मेरा राइट साइड का डायरेक्शन देखेंगे तो ये जो है विक्टिम का घर है, ये विक्टिम का घर है। कुछ सर नारियल पर सुपारी पेड़ दिखा रहे, नारियल पर सुपारी पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं। और लेफ्ट साइड का डायरेक्शन में देखेंगे, यहाँ से हम जहाँ में मौजूद है, यहाँ से तकरीबन 300 मीटर की दूरी में जो है 13 साल की बच्ची, उनका शव मिलते है वहां पे। और ये भी साथ साथ बता दूं, उसी जहाँ में बच्ची का शव मिलता है, तो ये जो है नाली देख सकते हैं, ये नाली है। और इसी नाली का ऊपर जो है हिस्से में जो है पहले लड़की का शव मिलता है, और उसी का 300 मीटर ऊपर में जो है अजय का शव मिलता है। और ढूंढने जब जाता है, फर्स्ट जब लड़की को ढूंढने जाता है, तो यहाँ से जाते हैं जहां तक हमें पता लगे, वहां से ढूंढते हुए उस डायरेक्शन तक जाता है, यानी उस डायरेक्शन तक जाता है। और उसके बाद अभी मैं जाएंगे विक्टिम का घर, और इस केस से जुड़े जानकारी लेंगे, और जो केस जब चल रहा है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार चल रहा है, कहाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन, और इस केस में तार कहाँ कहाँ किस किस से जुड़े हैं तार, इसकी भी सुनिए। जब 14 तारीख सुबह का बाद वो लापता हो जाते हैं, उसके बाद क्या पूरा जो पुलिस का तार बोल रहे हैं अजय से जुड़ रही है, और जुड़ते हुए क्या क्या करते, चलिए आज जानने की कोशिश करेंगे। तो पिछले बात जो हमारे साथ जो जानकारी मिला, क्या पुलिस बोल रहा है, पुलिस का ये कहना है कि तार जो है अजय से जुड़ रही है, जो 14 तारीख का बाद जब वो मिसिंग हो जाते हैं। चलिए जब विक्टिम से जानने का प्रयास करते हैं, आखिर एक केस का तार कहाँ कहाँ जुड़ते हैं। तो अभी हम जानने का कोशिश करेंगे, अभी जो है वो विक्टिम के फादर है, मैं जानने की कोशिश करेंगे। 12 तारीख एक्चुअली 12 तारीख का आप बताए, सुबह से शाम तक कहाँ थे, और आपको बस क्या इन्फॉर्मेशन मिला जो आपका बेटी मिसिंग हुआ और जो शव मिला गया, ये सब का खबर आपको कैसे मिला, वो थोड़ा अब विस्तार से हमसे बताइए। सर, उस दिन 12 तारीख का सुबह का टाइम में मेरा पिताजी रोटी वोटी बनाया, पूरा परिवार हम लोग यहाँ के बैठ के खाया इसी जगह में। खाने के बाद में हम चला गया डिगलीपुर, मेरा छोटा सा काम था। डिगलीपुर अब कितने बजे गए थे? सुबह रंगत बस में सर, 8 बजे वाला बस में हम यहाँ से गया, 8 बजे वाला बस में गया जी सर। और डिगलीपुर से रिटर्न कितने बजे आए सर? वहाँ से सर मेरा काम होने के बाद में मेरा बहन का घर है कलरा जंक्शन, वहाँ घुस के फिर उसके बाद मेरा बहन का घर घुस के फिर मेरा वाइफ के साथ में हम लोग आया। एक गाड़ी मिला, प्राइवेट गाड़ी मिला, जानता वाला गाड़ी मिला। उसमें आने का टाइम में हमको फ़ोन आया, मेरे पिताजी फ़ोन किया कि इस तरह बात हो गया, बच्चा घर में नहीं है, ढूंढता अगल बगल कहीं भी नहीं मिलता है, तो बेटा आप जल्दी आओ बोला। तो वो सुन के हम लोग, जानता वाला था ड्राइवर, हम बोला कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, तो जल्दी चलो स्पीड से। तो हम लोग स्पीड से आया, स्पीड से आने के बाद भी हम लोग यहाँ में 2 ढाई बजे पहुँचा। हमें आने का साथ साथ में आके हम खाली सिर्फ मेरा पैंट खाली चेंज किया, बनियान ऊपर ही था। फिर दो मेरा पड़ोसी वाला था अजय बोल के, वो था, और एक रोड का उस पार और एक लड़का था, वो भी यहीं का लड़का है। तो उन लोग दोनों ढूंढ के आके यहाँ बैठा हुआ था। फिर हम फटाफट उठ के आने के बाद बोला मेरा बच्चा को कहीं पता लगा बोला, तो दोनों चुपचाप हो गया। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि मिला लेकिन इस दुनिया में नहीं है बोला, तो हमको मेरा बच्चा को देखना है बोल के हम चलो 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 बोल के चला गया। फिर उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया। अच्छा, आप कहाँ चले, बच्चे को देखने चले गए या पुलिस को कॉल करने चले गए थे? पहले हम बच्चा को देखने गया था जी, जी जाके देखने के बाद में फिर बच्चा तो वही नाला में दो पांव पानी में था और आधा शरीर जो जड़ में था। और पुलिस को कितने बजे आसपास कॉल किया और कॉल कौन किया था? उसके बाद तो सर यहाँ में तो नेटवर्क का ठिकाना नहीं है सर, इसीलिए हम लोग वहाँ गया, वहाँ जियो का नेटवर्क मिलता है रोड में। फिर वो दुकान वाला के पास में जाके फिर वो दुकान वाले भी थी बादल, उसी लोग ही पुलिस को फोन किए, हमको इन्फॉर्म जो है वो बादल नाम का व्यक्ति जो पुलिस को इन्फॉर्म किया। जी 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 सर जी। और अब सुबह जो 8 बजे के आसपास गया, और 8 बजे और बेटी का मिसिंग का, और घर में कौन कौन था आप लोग चले जाने के बाद? ये घर में मेरा माता जी थी और पिताजी थी था और मेरा छोटा बेटा था। मतलब वाइफ के साथ आप चले गए थे? नहीं, वाइफ पहले गई थी। अच्छा जी, मतलब आप बाद में गए थे? जी हाँ जी। 12 तारीख गए थे? जी मैं 12 तारीख सुबह। और वाइफ के कितने दिन पहले गए थे? वाइफ ऐसे गए थे 3 दिन 4 दिन कुछ हुआ था सर।
तीन चार दिन पहले गए थे और आपने गए तो 12 बजे, 8 बजे का सोचो यहाँ से बस में चढ़ गए थे। जी सर। अच्छा, रॉय का बस वालों में चले गए? नहीं नहीं सर, रंगत बस में, एसटीएस बस में। अच्छा, एसटीएस बस में चले गए। जी सर। और आपको खबर जो मिला है बेटी का जो बारे में, तो खबर मिला 2 बजे का सर? वो टाइमिंग तो सर देखा नहीं था, हम वहाँ से आ रहा था जी, हम जब जी हम वहाँ से आ रहा था तभी भी पिताजी फ़ोन किया तो हम तुरंत आ गया, क्योंकि वो जान पहचान वाला ड्राइवर था तो हम लोग स्पीड से आया। और ये बताइए, ये जो अजय नाम का जो व्यक्ति है वो घर में आना जाना कितना दिन का, आपका बेटी यहाँ पे कितना दिन से रहते थे? सर हम लोग पहले बेबी में रहा था, अभी यहाँ आके हम लोग कम से कम हो गया अभी 3.5-4 महीना होने वाला है सर। तो मेरा पिताजी का उम्र भी ऐसा हो गया, कमज़ोर हो गया, एक संगा पानी ढोना, एक टुकड़ा लकड़ी फाड़ना, फिर मेरा माता जी भी थोड़ा बीमार रहता था, इसीलिए हम लोग आपस में फैमिली में सलाह मशवरा करके पिताजी लोग बोले तो हम लोग यहाँ अपना फैमिली को लेके आया, वहाँ से टीसी काट के यहाँ बच्चों को भर्ती किया मोहनपुर स्कूल में। जी जी। और जो हम ये सुनने मिला वो कोचिंग करने के लिए जाती है अजय के घर में, या किस रिगार्डिंग आना जाना चलता था? सर अभी वो स्कूल से टीसी काट के आया तो ये स्कूल में पढ़ाई 1 महीना ज़्यादा हो गया, रिजल्ट होने के बाद ज़्यादा हो गया, तो उसी को नोट को कम्प्लीट करने के लिए बच्ची को हम लोग लेके जा रहा था, सुबह छोड़ता भी था और लेके आता, क्योंकि अजय का छोटा बहन जो है मेरा बेटी का क्लासमेट था। अच्छा, क्लासमेट था। जी जी। इसलिए एक दूसरे से कहीं ना कहीं और एजुकेशन रिगार्डिंग शेयर करते हैं, नोट पूरा करने के लिए जा रही थी। जी। और अजय का जो बहन है कितने दिन से यहाँ पे नहीं था? अजय का बहन अभी 15 दिन कुछ हो गया सर, वो नहीं है। तब वो जब नहीं था तब ये घटना हुआ? जी 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 सर। और बच्ची मेरे वहाँ अभी वो नहीं है तो नहीं जाती थी। जी, नहीं जाती थी, घर ही में रहती थी, क्योंकि अभी वो नहीं है तो ज़्यादा लिखना भी नहीं था, अभी अभी जस्ट कुछ बाकी था, ज़्यादा बाकी नहीं था, इसीलिए वो नहीं जाती थी, वो आने के बाद लिखेगी बोली। अच्छा, तो आपने सिर्फ डिगलीपुर गए थे 12 तारीख को, और डिगलीपुर से शाम का वक्त अब जो है काला पहाड़ में दोबारा वापस आए? जी जी। और अभी बताना चाहूँगा, फर्स्ट जो पुलिस कौन था, कितना पुलिस ऑफिसर फर्स्ट हफ्ते ये घर में आया? सर यहाँ में पुलिस वाले आए, SP आए, DSP आए सर, पुलिस जब से खबर मिला हम लोग सूचना दिया है, पुलिस फटाफट आ गया सर। आ गया ना जी, एकदम तुरंत आसपास आपने कॉल किए होंगे, और पुलिस कितने बजे तक यहाँ पे आए होंगे आपका इस घर पे? पुलिस जल्दी आ गया, टाइमिंग देखा नहीं सर, टाइमिंग नहीं देखा था, पुलिस खबर मिला पुलिस आ गया सर, आके कार्रवाई कर रहा था, और अभी तक टोटली कार्रवाई पुलिस का अच्छा रहा, हम लोग को कोई बस्ती वाला भी कोई अपना भी कोई नहीं था, लेकिन पुलिस वाला दिन रात हम लोग के लिए, पुलिस का तो कार्रवाई किया उसी में आप पूरा सहमत हैं? जी सर, जी सर, जी सर, जी, पुलिस वाला कार्रवाई जो है खुश है सर, क्योंकि हमारा कोई यहाँ रिश्तेदार भी नहीं है, मेरा पिताजी का सब मेलैंड में है, तो यहाँ में इस तरह घटना घटा है तो अब दिल में तो बोलने नहीं सकता सर, कैसा बोलेगा, मेरा हम बेटी खोया है, लेकिन पुलिस वाला आके दिन रात यहाँ पे हम लोग को अपना काम करते, हम लोग आश्वासन भी देते थे, हम लोग अच्छा लगता था सुन के कोई है करके। ठीक है।